हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड के बारे में हमने बताया था कि अलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। कल सुनवाई हुई है, क्या चीजें निकल कर आई है उस पर भी हम बात करेंगे और ये सुनवाई का जो है इम्पैक्ट पूरा के पूरा एनआईओएस डीएलएड के बच्चों पर किस तरह से होगा उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल अलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनली जो है सुनवाई हुई है, हियरिंग हुई है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ मौका मिलने की देर है, एक बार अगर मौका मिलेगा तो इस ये केस काफी स्ट्रांग है। इस केस में हम बहुत सारी चीजों को जो है जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं और ये केस जितना जल्दी क्लियर होगा बाकी केसेस जो भी चल रहे हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के वो उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें वहां पर हुई है, एनसीटी का क्या रुख था इसको लेकर के, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं कि जो इसमें लगे हुए हैं कार्तिक सिंह, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब आप कोर्ट केस करते हो तो एडवोकेट को देना और बाकी सारी जगहों पर जो है आपको पैसा देना होता है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि ये केस हम जल्दी से जल्दी जो है जीत जाए और इसका असर जो है हमें बाकी केसेस पे देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल यस सुनवाई हुई फाइनली, और आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, कल अभी अपडेट नहीं हुआ है, नेक्स्ट डेट जो है इसको दे दिया गया है। देखो होता क्या है ना कि जब भी सुनवाई होती है तो एक ही हियरिंग में आप सोचोगे कि हमें क्लैरिटी मिल जाए, फैसला हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। हर किसी को अपना पक्ष रखने का, अपनी बातों को रखने का जो है हक होता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये जो केस किया गया है इसमें जो आप बोल सकते हो कि रिस्पोंडेंट बनाया गया है वो है एनसीटी खुद है, फिर उसके बाद से जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को रखा गया है, एनआईओएस को रखा गया, एमएचआरटी को रखा गया है। तो कल जो सुनवाई हुई है उसमें पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है बातें रखी गई, लेकिन एनसीटी की तरफ से कुछ नहीं, जैसा कि एज यूजुअल एनसीटी करती है। तो यहाँ पर एनसीटी अभी भी चुप और एनसीटी की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है, और जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसने अपनी बातों को जो है रखा है, जो भी बातें जो है उसमें हुई है उसने अपना साफ किया है। अगर हम बात कर ले कि कोर्ट का रिएक्शन कैसा था, जैसे कि आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि मैम इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मैं क्या बोलती हूँ कि कम से कम फर्स्ट हियरिंग हो जाए। फर्स्ट हियरिंग से एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि वो जो जस्टिस है, जो जज है, उनका जो है देखने का तरीका इन सभी चीजों को कैसा है। तो जो जस्टिस थे, जो जज थे, उनका तरीका पॉजिटिव देखने को मिला है और उन्होंने जो है इस एनआईएस डीएलएड के पक्ष को अच्छी तरीके से सुना है, समझा है, लेकिन ये भी कहा है कि इसमें और सुनवाई होगी, ये और हियरिंग होगी और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि क्योंकि हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। अगर आपने रिकग्निशन लेटर 22 सितंबर 2000, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो रिकग्निशन लेटर दिया गया है, जिसको कि बताया गया है कि एनआईएस डीएलएड जो है मान्य है, इक्विवेलेंट है, उस रिकग्निशन लेटर का अभी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन इस केस में उसका वैल्यू है, क्योंकि इस केस में जो है हम वो रिकग्निशन लेटर जरूर पेश करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है जो भी आरटीआई के थ्रू जवाब दिया गया है, एनसीटी की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि हाँ हमने पब्लिश करने के लिए सेंड कर दिया गया है, और उसमें सारा नंबर, सारा सारी चीजें जो भेजी गई है वो एक प्रूफ हो जाता है। दूसरा प्रूफ अगर आप देखोगे तो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से खुद का रिप्लाई, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि एनसीटी ने जो है गैजेट पब्लिश करने का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो नहीं किया है, और दूसरा अमाउंट यानी पैसा नहीं दिया है, तो कैसे इस गैजेट को जो है पब्लिश किया जा सकता है। तो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अपना पूरी तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी रख रही है। अब जो भी चीजें आ रही है वो एनसीटी के ऊपर आ रही है, तो एनसीटी अपना क्या जवाब देती है ये बिल्कुल जानने वाली और सुनने वाली बात होगी कि एनसीटी किस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर रखेगी। तो फिलहाल कल के अलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है एनआईएस डीएलएड के बच्चों को लेकर के, लेकिन ये सुनवाई अभी चलेगी। नेक्स्ट डेट इसमें दे दिया गया है,
यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे अपडेट होगा, नया डेट आएगा, डेफिनेटली आप भी जानते हो, हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो केस चल रहा है, ये केस तो है ही इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ में हमारे जो केसेस है, जैसे कि अभी बीपीएससी TRE 3 को लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो केस डाला गया है, जिसमें कि बीपीएससी TRE 3 में NIOS DELED के बच्चों को मौका मिले, वो केस भी अभी के हिसाब से देखा जाए जो वैकेंसी आई है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस किया गया है वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि हम हर तरफ से जो है NIOS को, MHRT को, NCTE को, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को, सभी को घेर रहे हैं। अब यहाँ पे इलाहाबाद से जो भी आएगा रिजल्ट, दिल्ली में सुनवाई होगी, वहां पर बातें रखी जाएगी, वहां से जो भी चीजें होंगी वो सभी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है फाइनली उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस तरह से ये चीजें जो है चल रही हैं। अभी फिलहाल यही अपडेशन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो आपको भी पता है इसी चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक एंड ट्रू जो सच सही खबर है वो आपको दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर।